नमस्कार बच्चों, हम चैप्टर नंबर 13 में ऐसे नंबर 13.4 का जो क्वेश्चन नंबर 9 था आपके जो रहा था उसको सॉल्व कर लीजिए। दिया हुआ है आपके बेन नंबर 2 की त्रिज्या r बराबर 4.2/2 सेंटीमीटर ऊंचाई h बराबर आपको दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। टंकी का वक्र रखिए क्षेत्रफल पर सरफेस एरिया 2πrh गुणा फाई का मान राशि के साथ त्रिज्या 2.1 × 4.5 गुणा कर लीजिए 59.4 cm². माना कि टंकी बनाने में लगा इस्पात है आपके 1 m², कुल इस्पात का एक बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। टंकी में जो इस्पात लगे हो वो x − 1/12 भाग टंकी में लगेगा। टोटल सरफेस एरिया आपका 2πr x + 7 गुणा पाई का मान 2 × 7 20 क्योंकि टंकी बेलनाकार और बंद टंकी है। बंद टंकी के लिए संपूर्ण पैटर्न क्षेत्रफल लगेगा 2πr h + 7 2 × π = 2 × 7 2.1 जोड़ लेंगे और सॉल्व करेंगे 87.2 m². कुल इसमें टंकी में लगा इस्पात 11 × 12 भाग है जबकि आपको यहाँ आया 87.2 m² दोनों को बराबर कर देंगे। एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालने के लिए गुणा करेंगे तो टंकी में लगे इस्पात का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको गेन कैंसिल करके 12.04 m². अब हम 13.3 एक्सरसाइज है संपूर्ण अन्य प्रकार के क्षेत्रफल और ज्ञात आयतन ज्ञात करेंगे। शंकु में ये आधार वृत्ताकार होता है, इसकी ऊंचाई आपके एच होती है, आधार की त्रिज्या आपके त्रिज्या ऊंचाई होती है एल। तो शंकु के आधार की त्रिज्या आर व्यास से घटी हो जाएगी 5.25 यानी 21/4 cm। त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर कर रखी है आपको 10 cm। शंकु का वर्ग सरफेस एरिया वक्र प्रत्येक क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, वक्र प्रत्येक क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर है 22/7 21/4 × 10 165 cm². शंकु आकार वक्र के आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है 24 m, ऊंचाई आपको h बराबर दे रखी है 10 m, त्रिज्या ऊंचाई l बराबर √r² + 7² 24² + 10² 576 + 100 = 100 का वर्ग हो जाएगा 6। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई तम्बू की त्रिज्या ऊंचाई आपने मान निकाल ली। तम्बू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तम्बू में जो कैनवास लगेगा एक उसमें नीचे की भाग का कोई अंक नीचे से भाग खुला हुआ है आपका, इसलिए इसके वक्र पर ये इसका मान होगा। तो तम्बू के में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर वक्र पर का क्षेत्रफल पाई आर है। पाई का मान रखते हैं ये आ गया आपका m², आपको 1 m³ यानी 1 m² कैनवास की लागत दे रखी है 70 रुपये, इसलिए 13,728.7 m² कैनवास की लागत हो जाएगी 70 से गुणा कर देंगे 1,70,280 रुपये। ओके, इस शंकुवार एक तंबू है, इसको त्रिपाल से बनाया गया है, आयताकार त्रिपाल का। इस आयताकार त्रिपाल की आपको लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई आपको दे रखी है, चौड़ाई भी बराबर आपको दे रखी है 3 m, इसकी त्रिज्या आर बराबर दे रखी है आपको 6 m और ऊंचाई एच बराबर दे रखी है आपको। एरिया पाई आर
मान लीजिए पाइथागोरस यहां पर पाइथागोरस की इंपोर्टेंस है और आर टेंजेंट 6 ये पूछा है आपके पहले आपको 10 टेंजेंट कैसे कोण क्या मीटर स्क्वायर आयताकार प्रतिपाल है आपकी जो पहले आयताकार था इसलिए इसके प्रतिपाल का पहले का क्षेत्रफल आपको लंबाई में चौड़ाई लंबाई है हम याद करेंगे चौड़ाई आपको 3 दे रखी है तो 3 गुणा है मतलब 180 कोण क्या मीटर स्क्वायर है मतलब 180 कोण क्या मतलब 3 8 मीटर क्योंकि अतिरिक्त जो आपकी लंबाई है प्रतिपाल की अतिरिक्त लंबाई लगी है वो आपके 20 सेंटीमीटर यानी 0.20 मीटर और लगी है 82.80 में 20 जोड़ देंगे तो प्रतिपाल का कुल लगी प्रतिपाल की कुल लंबाई है 82.80 प्लस अतिरिक्त लंबाई 82.80 प्लस 0.20 बराबर 63 मीटर ये आपकी प्रतिपाल में लगी कुल लंबाई आ जाएगी प्रतिपाल की कितना कुल लगी प्रतिपाल की कुल लंबाई होगी
एक बेलनर जिसमें क्या है, गोला स्थित है, गोले की त्रिज्या में आ रहा गोले का प्रस्थ क्षेत्रफल 4 पाई r2, गोला बेलन के अंदर स्थित है, इसलिए बेलन की ऊंचाई जो होगी आपकी बेलन की ऊंचाई होगी, ये बेलन की ऊंचाई गोले के व्यास के बराबर होगी, गोले का व्यास त्रिज्या का दोगुना होगा, तो बेलन का परिमाण क्षेत्रफल 4 पाई r है, 4 पाई r² 4 पाई r² गोले का परिमाण क्षेत्रफल और बेलन का परिमाण क्षेत्रफल 4 पाई r² / 4 पाई r² ये अनुपात 1:1 आ गया। ओके अब नेक्स्ट आपने आ गया हम विविध प्रकार के आकृतियों के आयतन से संबंधित समस्याओं का निराकरण करेंगे।